विश्व व्यापार संगठन WTO के सामने भारत सरकार ने खाद्यान्न के निर्यात के नियमों में ढील देने की मांग उठाई है। दरअसल WTO के नियमों के तहत सरकारी खरीदी यानी MSP पर सरकार द्वारा खरीदा गया अनाज किसी भी देश में निर्यात नहीं किया जा सकता है। भारत इस नियम में राहत की मांग कर रहा है। वैश्विक खाद्यान्न संकट के मद्देनजर भारत एक देश की सरकार से दूसरे देश की सरकार को खाद्यान्न कमी में मदद के तौर पर ऐसे निर्यात की अनुमति चाहता है। साफ है कि आने वाले समय में सरकारी गोदामों से माल विदेश निर्यात हो सके, इसकी संभावना देश में तलाशी जा रही है। दूसरी ओर देश में मौसम में आए परिवर्तन से दलहन में दाल मिलों की लेवाली बेहद कमजोर देखने को मिली है। व्यापारियों का मानना है कि इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। इसके चलते दलहन में कामकाज बेहद सुस्त हो गया है, जिससे ज्यादातर दलहन की कीमतों में गिरावट रही। वहीं नई मूंग की आवक जोरों पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश की मूंग की सरकारी खरीदी शुरू नहीं होने और किसान धन तंगी की चपेट में होने से वो बिकवाली पर जोर दे रहे हैं। सरकार ने स्कूली बच्चों में मूंग वितरण कर बाजार बिगाड़ दिया है। इससे भी मूंग के दाम लगातार धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। वहीं बीते मंगलवार को मूंग 100 से 150 रुपए तक टूट गई और बेस्ट क्वालिटी की मूंग घटकर 6150 से 6200 और एवरेज क्वालिटी की मूंग 5600 से 6900 रुपए प्रति क्विंटल तक ही रह गई। वहीं उड़द में कामकाज सामान्य रहा। उड़द के भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहा। चना दाल में भी लेवाली बेहद कमजोर देखने को मिल रही और 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं काबुली चने की आवक भी 4500 बोरी के करीब रही और बाजार में सुस्ती का माहौल है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV।